हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? सुजल कहते हैं यू आर नॉट ऑडिबल। अरे बोलूंगा तभी तो ऑडिबल होऊंगा, बोलूंगा ही नहीं तो ऑडिबल कहाँ से होऊंगा। हाँ जी, तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत स्वागत है सीए फाउंडेशन के इन क्लासेस के अंदर। एंड बहुत अच्छी बात है कि आपने एक एक मैं कह सकता हूँ कॉमर्स फील्ड हो या फिर साइंस स्ट्रीम से आए हुए बच्चे हो या फिर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से आए हुए बच्चे हो, आपने एक बेहतरीन कोर्स की तरफ कदम रखा है। वो कोर्स जो कि हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट प्रोफेशंस के अंदर कंसीडर्ड किया जाता है। ये और बात है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके बारे में कुछ बातें कही जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के। हाँ जी, अब कुछ लोग कहते हैं जो सीए, अब सीए की वैल्यू नहीं रही तो ये ना हुआ तो वो ना हुआ, बट ध्यान रखना ये कोरी अफवाहें होती हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लियर नहीं कर पाते वो बुराई करते हैं। और दूसरी बात, इस कोर्स की वैल्यू कभी जीवन काल में कभी कम हो ही नहीं सकती। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि देश में चंद्रगुप्त से भी पूर्व समय से, महाभारत काल से भी व्यापारी तो चलते आ रहे हैं। और जब तक व्यापार देश में रहेगा, जब तक बिजनेस देश में रहेगा, तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्योंकि एक बिजनेसमैन केवल अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने 11th और 12th में बनाया में सीखा वो केवल बना सकता है। एक बिजनेसमैन वो चीजें बना सकता है, परंतु उसके द्वारा बनाई गई बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उस बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन नहीं होते। तब तक वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस एक कागज का टुकड़ा है। तो सोच के देखो कि आप जिस कोर्स में आज कदम रख रहे हो, जिस कोर्स की आज आपने पहली क्लास की है, उसकी अहमियत क्या है। उसकी अहमियत यह है कि आपके द्वारा, आपके साइन के बिना जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाई जाएंगी वो एक कागज का टुकड़ा होगा, वो एक कचरा मात्र होगा, परंतु आपके साइन होते ही वो पूरे संसार में एक्सेप्टेबल होगी, ना केवल भारत बल्कि पूरे संसार में एक्सेप्टेबल होगी। ये आपके साइन की वैल्यू होने वाली है। इस कोर्स के अंदर आप एंटर होने वाले हो, तो अगेन मैं बहुत 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 स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, आपके इस करियर, आपके इस पहले कदम की तरफ। अब कुछ और बात है कि सर सीए टफ है, मैं कहूंगा नहीं। अच्छा तो सर फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सीए टफ है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बड़ी सीधी सी बात है भाई, सीए टफ नहीं है, बट दो चीजें हैं जिनसे हम भटक जाते हैं और जिसकी वजह से टफ हो जाती है। वो क्या? आज पहली क्लास हो रही है, नया नया जोश है, ऐसे लग रहा है आज तो तबाही मचा डालेंगे, तबाही मचा देंगे कसम से। मतलब ऐसे लग रहा होगा किताबें एक दो दिन में पहुंच जाएंगी, तो मतलब सारी किताबें आज ही पढ़ डालें, मतलब ऐसा लग रहा है। ये जोश जो आज आया है या इस हफ्ते तक है, बस वो कंटिन्यू करना है। मतलब कॉन्सेप्ट निकला एक, कंटिन्यूटी। अपने पढ़ने में अगर आप कंटिन्यूटी रख पाए तो ये बहुत ही आराम से प्लेन वनीला निकलने वाला कोर्स है। फर्स्ट शॉट में ही आराम से हर एग्जाम निकल सकता है। अब तो इतने एग्जाम कम हो गए हैं, पूछो मत, पूछो ही मत। तो ये आराम से प्लेन वनीला निकलने वाला कोर्स है ये। बस कंटिन्यूटी। और दूसरा टेस्ट, जो भी टेस्ट होंगे वो रेगुलर देते रहना। मैं ये फाउंडेशन लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं आपके इंटर और फाइनल लेवल तक की भी बातें कर रहा हूं कि जो भी टेस्ट होंगे उन्हें लगातार लगातार देते रहना, देते रहना, देते रहना, बस। क्लियर? समझ गए? अब सवाल उठा कि सर ये बैच कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं कह सकता हूं शायद इंस्टीट्यूट इस बार से सितंबर में भी एग्जाम शुरू करने जा रहा है, जो अभी तक की न्यूज है। तो अगर आप सितंबर में एग्जाम दे रहे हो तो आपके सितंबर बैच के लिए भी है। अगर आप नवंबर दिसंबर में दे रहे हो 2024, तो नवंबर दिसंबर के लिए भी है। और अगर आप फरवरी 2025 में दे रहे हो तो फरवरी 2025 के लिए भी है। तो फरवरी 2025 वाले भी आराम से इस बैच का पार्ट बन सकते हैं।
ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, अब आपको काफी कुछ तो पता होगा काफी कुछ अकाउंट्स की क्लास इससे पहले हो चुकी है, तो वहां पे बताया गया होगा शायद। सीए फाउंडेशन में कितने पेपर होते हैं? चार पेपर है, पेपर नंबर 1, 2, 3, 4। हाँ जी। क्या जो मैं लिख रहा हूं वो आपको भी लिखना है? बिल्कुल लिखना है। और लॉ में सारे के सारे नोट्स बनेंगे आपके, तो इसलिए जो भी मैं लिख रहा हूं वो एज इट इज आपने भी मेरे साथ लिखना ही लिखना है। अपनी कॉपीज अच्छी सी बना लीजिएगा। लगभग कितने पेज की कॉपी होनी चाहिए? आई वुड रिकमेंड मिनिमम 200 पेजेस। तो मिनिमम 200 पेजेस की कॉपी रखना, तो मतलब आपकी 200 200 200 पेज की कॉपी है तो दो कॉपियां ऐसे भरेंगी। 400 पेज की कॉपी अगर एक ही साथ बना सको तो वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चले, सीए फाउंडेशन पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर। हाँ जी। क्या सेंटर नोट प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, मतलब एयरलाइन की तरफ से ही भेजे जाते हैं आपको नोट्स, तो वो आपको मिल जाएंगे। चले, तो पहला पेपर कौन सा था? अकाउंट्स। दूसरा बिजनेस लॉ। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे आप मैथ्स कहते हो। मैथ्स प्लस स्टैट्स को मिलाकर नया नाम दे दिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। इकोनॉमिक्स, लो जी, ये आपके चार पेपर हैं, और चारों पेपर 100 मार्क्स के हैं। जी हाँ, चारों पेपर 100 मार्क्स के हैं। ठीक है। अब अगर मैं लॉ के सिलेबस की बात करूं, तो लॉ में आपके पास क्या क्या है? लॉ जो है आपका पेपर नंबर 2, टोटल मार्क्स हैं इसके 100। टोटल मार्क्स कितने हैं? 100। जो सेंटर ने फीस लिए हैं, क्या उसमें हमें बुक मिलेगी? हां जी हिमांशी बेटा, मिलेगी, डोंट वरी। चलिए, लिंक क्लास का नहीं आया, आ जाएगा, आ जाएगा भाई, चिंता मत करो, आ जाएगा, लिंक भी आ जाएगा, घबराने का नहीं। पहला आपके सिलेबस में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपके सिलेबस में है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आपके सिलेबस में है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, फिर कंपनीज एक्ट 2013, फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932, और सिक्स्थ एलएलपी एक्ट 2008। लॉ के पेपर में एमसीक्यू नहीं आएगा, 100% सब्जेक्टिव पेपर है। ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, ये सब्जेक्टिव पेपर है। चलें, सॉफ्टवेयर नहीं आया मेल पे, आ जाएगा बेटा, चिंता मत करो, आ जाएगा आज शाम तक, दोपहर तक आ जाएगा, डोंट वरी। यहां तक लिख लिया हो तो जरा मुझे डन का मैसेज दे दो। अब भाई यहां तक लिखने के बाद जरा मुझे डन का मैसेज दे दो। हाँ जी, डन का मैसेज दे दो भाई, डन का मैसेज दे दो, इसका मतलब है आपने लिख लिया है। सब्जेक्टिव का मतलब, सब्जेक्टिव का मतलब है कि वो जो अंग्रेजी लिखनी पड़ती है ना, वो अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। एक होता है ऑब्जेक्टिव,
जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखा था, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, बी जय माता दी, सी, तो वो थे ऑब्जेक्टिव, ये है सब्जेक्टिव, यानी कि इसमें अंग्रेजी लिखनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज आप क्या करने जा रहे हो, मैं क्या करने के लिए आया हूं बताओ। हाँ जी, पहला कौन बनेगा करोड़पति में, पहला सवाल आपके सामने है कि आज मैं आपके सामने ये जो दुबला पतला आदमी लंबे लंबे बाल लेके खड़ा है, ये क्या पढ़ाने के लिए आपके पास आया है। ऑप्शन नंबर ए अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर बी बिजनेस लॉ, ऑप्शन नंबर सी क्यूए, या ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक्स। बताइए 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 यजमान, बताइए ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यानी कि हम लोग क्या पढ़ने के लिए आए हैं, बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ। एक कहता है डांस करने के लिए आया है, तेरी ऐसी की तैसी। हाँ जी चलो जी, तो आज हम बिजनेस लॉ शुरू करने वाले हैं। बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ तो बाद में देखेंगे, पहले लॉ क्या होता है, मीनिंग ऑफ लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है। तो चलिए जी देखते हैं लॉ का मतलब क्या है, मेरे साथ लिखिएगा पहले, फिर इसको समझाता हूं क्या मतलब है। इट मींस, अमृतसर में बैठे बच्चों लिखो, रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ पर्संस। हां जी, इट मींस द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ द पर्संस। इट मींस द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ द पर्संस। हुआ क्या, हुआ क्या, नाम निकला है अमृतसर का। तो चलो जी, अमृतसर सेंटर पे एक स्टूडेंट बैठा है जिसका नाम है सुखी। अब सब एक दूसरे को वहां देख रहे होंगे, देखते हैं सुखी कौन है, देखते हैं कहीं मेरा साथ वाला सुखी तो नहीं, कहीं यही तो सुखी तो नहीं। हाँ जी, मान लो अमृतसर सेंटर पे बैठा सुखी। आज सुखी का बड़ा मूड खराब था, घर जाने के बाद ना बड़ा मूड खराब था। गया, बैग फेंका, पेन फेंके, साइकिल उठा के फेंकी। मम्मी ने कहा क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रहा है। सुखी ने कहा मम्मी आज मैं गया था लॉ की क्लास में, वहां पे एक लड़का आया था सोनू, मैंने कल उसका मर्डर करना है। मम्मी ने कहा क्यों भाई, क्या हो गया। सुखी ने कहा नहीं, उसने मुझे क्लास में परेशान किया, आज पीछे से लात मार रहा था, मैं बैठा था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कल उसका मर्डर करके रहूंगा। अच्छा, अब सुखी की मम्मी क्या कहेगी, जा जा विजयी भव, विजयी भव, आयुष्मान भव, कर कर, मुझे भी बुला लियो, मैं भी लपेटूंगी। मम्मी ऐसा कहेगी नहीं, मम्मी ऐसा नहीं कहेगी। तो मम्मी क्या कहेगी, मम्मी सुखी को समझाएगी, अरे मेरे सुखी, मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे हरे, मेरे रंगीले, सुन ध्यान से, अगर तूने उसको मर्डर किया तो फिर तुझे भी कहां जाना पड़ेगा, जेल में। क्यों, क्योंकि भाई कुछ नियम बने हुए हैं जो कहते हैं आप किसी को ऐसे पेल नहीं सकते पकड़ के, मतलब किसी को ऐसा कोटापा नहीं कर सकते, किसी को पीट नहीं सकते, किसी का मर्डर नहीं कर सकते, कुछ नियम बने हुए हैं। जो ये नियम है ये किसने बनाए हैं, ये सरकार ने बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं, ताकि तुम लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। अगर ये नियम ना हो तो तुम तो बात बात पे पेल दोगे किसी को, बात बात पे गोलियां चला दोगे। तो इसलिए तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम सरकार ने बनाए हैं, और ये जो नियम सरकार ने बनाए हैं तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, ये नियम कहलाते हैं लॉ। पढ़ो जी, इट मींस द रूल्स मतलब नियम फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, किस लिए, टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ द पर्सन। कहीं आप भावनाओं में ना बह जाओ, कहीं बात बात पे गोलियां वोलियां ना चल जाएं। तो इसलिए
वो नियम जो सरकार ने बनाए हैं लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, दे आर कॉल्ड एस टेंटन लॉ। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लिखने के बाद डन का मैसेज दे दो। लिखने के बाद डन का मैसेज दे दो भाई, डन का मैसेज दे दो। डन, गुड। चले जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब सवाल उठा कि सर लॉ बनता कैसे है, कैसे कानून बनते कैसे हैं हमारे देश में। हाँ, तो लिखिएगा सोर्सेस ऑफ लॉ, लॉ कहां से आता है। सर हम लोग साइंस साइड से हैं। आप लास्ट हरिद्वार कब गए थे? हैं, ये कोई मेरे हरिद्वार के जान पहचान वाला है क्या? हरिद्वार कब गए थे? चलिए, सोर्सेस लॉ। अच्छा सर, मैं वो बात कह रहा था कि सर हम ना साइंस साइड से हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा क्यों नहीं आएगी? क्योंकि लॉ तो कॉमर्स वालों ने भी नहीं पढ़ा, तो सबके लिए एकदम नया है, सबके लिए एकदम नया है ये सब्जेक्ट, जैसे कह रहे हैं हम लॉ, ठीक है ना, सबके लिए एकदम नया है। चले, तो सोर्सेस ऑफ लॉ में पहला पॉइंट आता है हमारा, लॉ कहां से बना, तो पहला आता है हमारा इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ, देखो जी ऐसा है, हमारे देश के जितने कानून हैं 70% कानून आज भी अंग्रेजों के दिए हुए हैं, वो अंग्रेज बना के गए थे। आप देखो ना, मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं आपके सिलेबस में क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 का मतलब किसने बनाया होगा? ऑब्वियसली अंग्रेजों ने बनाया होगा, क्योंकि हम तो आजादी 1947 में हुए। फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 किसने बनाया होगा? अंग्रेजों ने। 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किसने बनाया होगा? अंग्रेजों ने। 2013 ये लग रहा है हमने बनाया होगा, बट ये भी हमने नहीं बनाया, एक्चुअल में ये भी अंग्रेजों की कॉपी है। अच्छा फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसने बनाया? ये भी अंग्रेजों ने बनाया। LLP एक्ट 2008 ये मैं कह सकता हूं कि हमने बनाया, क्योंकि एक नया आया है तो ये हमने बनाया। तो आप देख रहे हो, समझ आई बात? तो अब अच्छी बात ये है कि ये अंग्रेज क्या करते हैं ना, ये भाई साहब सारे कानून ये बनाते हैं, मतलब सारी रिसर्च ये करते हैं भाई साहब। इनका है भी तो सही ठीक ठाक ना, सुबह उठ के इन्होंने क्या नाश्ता क्या करना होता है, दूध के अंदर कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं तो भाई ऑब्वियसली है प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट सुबह सुबह ही मिल जाते हैं इन नालायकों को। तो फिर अब जब इतना कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जा रहे हैं तो रिसर्च भी बाहर आएगी आएगी, तो ये रिसर्च कर डालते हैं। अच्छा हम क्या करते हैं, हम तो सुबह सुबह उठ के पहले चाय और मट्ठी खाते हैं, चाय और मट्ठी या चाय और सौंफ रस, ठीक है ना। तो फिर हमारा तो दिनचर्या ही तभी शुरू होती है, तो उस मट्ठी ने बड़ी जाके रिसर्च करवानी हमसे। तो फिर होता क्या है, हम लोग रिसर्च नहीं करते, जब अंग्रेज रिसर्च कर डालते हैं तो हम उनसे पूछते हैं हाँ कर लिया, वो कहते हैं हाँ कर लिया, तो फिर हम कहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आई, वो कहते हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा सब ठीक है ना, वो कहते हैं सब ठीक है, फिर हम उसको कॉपी कर लेते हैं, यानी कि इंग्लिश लॉ। तो इंग्लिश लॉ क्या है, वो लॉ जो कि फ्रेम्ड किए गए हैं बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो अंग्रेजों ने बनाए और हम उठा के एज इट इज कॉपी करके ले आए, तो इंग्लिश लॉ। इसके अलावा इंडियन लॉ, अब ऐसा नहीं है, बेशक हम मट्ठी खाते हैं मगर साथ में चाय भी पीते हैं, और जब चाय पीते हैं तो चाय में थोड़ा सा दूध भी होता है। अब वो दूध जो है उसमें भी अपना भैंस कमाल दिखाएगी, मतलब वो जो भैंस का दूध है या गाय का दूध है वो भी कमाल दिखाएगा। तो फिर अब ऐसा नहीं है कि हमारा दूध में ताकत नहीं है ना, हम भी कभी कभी रिसर्च करते हैं, और जब हम रिसर्च करते हैं बहुत कम करते हैं, मगर जब भी करते हैं तो फिर लॉ पास जब आए इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। थर्ड जजमेंट ऑफ कोर्ट, जजमेंट ऑफ कोर्ट। भारत में कितने तरीके के सुप्रीम कोर्ट हैं या कितने सुप्रीम कोर्ट हैं?
आपका सामान्य ज्ञान की परीक्षा हो रही है। एक, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? आंसर इज अनेक। हर एक स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट होता है। ये और बात है कि अभी कुछ एक स्टेट जो अभी अभी बनी हैं, लाइक आंध्र, तेलंगाना वगैरह, ये यहां पर अभी तक हाई कोर्ट अलग अलग नहीं हुए हैं, अभी तक हाई कोर्ट सेम चले आ रहे हैं, बट अदरवाइज हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं? जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि जितने हजारों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तो हजारों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे हमारे पास। अगर हजारों डिस्ट्रिक्ट हैं देश में या लाखों डिस्ट्रिक्ट हैं, यस, हर एक डिस्ट्रिक्ट का नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, उससे कई कम होंगे, काफी कम होंगे, क्योंकि कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां आबादी कम होने के कारण चार पांच डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है, ऐसा कई बड़े बड़े राज्यों के अंदर है। बट फिलहाल सबसे नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, जिला, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। फिर आते हैं हाई कोर्ट जो स्टेट वाइज होते हैं, और सबके ऊपर आता है क्या? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। अब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, खासकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, वो पूरे देश में अप्लाई होता है, होल इंडिया। नॉर्मली हाई कोर्ट का जजमेंट उस स्टेट के लिए होता है, फॉर स्टेट। परंतु अगर मान लीजिए अब दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन पास किया, दिल्ली में लगेगा। परंतु अगर मान लीजिए राजस्थान में भी सेम मुद्दा आया, तो वो डिसीजन राजस्थान की गवर्नमेंट भी, राजस्थान का हाई कोर्ट भी फॉलो कर सकता है, वो राजस्थान में भी फॉलो किया जा सकता है। पर अगर राजस्थान का डिसीजन कोई अलग आया है, तो वो अलग फॉलो होगा। तो यानी कि हाई कोर्ट का डिसीजन भी पूरे देश में अप्लाई हो सकता है, अगर किसी और हाई कोर्ट ने अपनी स्टेट के लिए अलग डिसीजन नहीं दिया तो मैं फॉर स्टेट भी कह सकता हूं, या फिर फॉर इंडिया भी कह सकता हूं हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो पूरे इंडिया के लिए है ही है, हाई कोर्ट का डिसीजन उस स्टेट के लिए भी हो सकता है, और अगर कोई और उसका उससे अलग डिसीजन नहीं आया किसी और स्टेट का, तो फिर सभी स्टेट पे भी लग सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन केवल डिस्ट्रिक्ट पे ही लगता है। चलिए, तो ये जो जजमेंट पास कर रहे हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्या ये भी हमारे कानून का पार्ट होते हैं? यस, सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कानून पास कर दिया, एक डिसीजन दिया कि पोपली, मतलब समझ गए ना, पोपली इधर उधर मत देखना, ये किस दवाई का नाम है, पोपली मैं हूं, सामने जो खड़ा हूं अमित पोपली। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पोपली तुम अब से फाउंडेशन का लॉ नहीं पढ़ाओगे। मैंने जज को कह दिया मैंने कहा भाई जाना है, मैं तो पढ़ाऊंगा। अच्छा, क्या मैं इतना बड़ा चौधरी हूं कि मैं जज को ऐसे बोल सकता हूं? अगर जज ने कह दिया कि पोपली तुम फाउंडेशन का लॉ नहीं पढ़ाओगे, तो क्या मैं फिर भी पढ़ा सकता हूं? नहीं, 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 नहीं पढ़ा सकता। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजमेंट जो होते हैं, वो भी कानून का पार्ट बनते हैं, वो भी कानून है जिनका आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। समझ आया तो बोलो ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है कस्टम एंड ट्रेड। कस्टम एंड ट्रेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परंपरा, परंपरा, परंपराएं। परंपराएं मतलब, फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज जो थे ये क्या करते थे हमारे देश में? पहले आपको पता होगा शायद कि हमारे देश में चाइनीज खिलौने चलते थे बहुत, अब काफी कम हो गए हैं, अभी भी चलते हैं, बट पहले तो हमारे देश में 90% जो टॉयज थे बच्चों के, वो चाइनीज टॉय ही चलते थे। अब इनकी संख्या फिर भी हम आज की डेट में 60% तक आ गई है, मतलब अब भारत में टॉयज बहुत सारे मैन्युफैक्चर होने लग गए हैं, अच्छी बात है।
बट फिलहाल ये चाइनीज क्या करते थे, इस सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है और खासकर टॉय मैन्युफैक्चरिंग को तो सबसे पहले लिया गया था, कंसीडर किया गया था। तो अच्छी बात है कि आप चाइनीज टॉय पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई। बट फिलहाल मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ वो कुछ साल पहले की है, जब चाइना के ऊपर हमारी फुल डिपेंडेंसी हुआ करती थी। तो एक बार चाइना वालों से ना हमने कंप्लेन की। हमने कंप्लेन क्या की कि चाइना वालों, जो तुम हमारे यहाँ पर खिलौने भेज रहे हो ना, उसमें हार्मफुल केमिकल हैं जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चों को स्किन डिजीज हो रही हैं, क्योंकि आप जो खिलौने बना रहे हो उनमें गलत तरीके के केमिकल का आपने यूज किया है, और उन केमिकल को जब हमारे बच्चे अपने बॉडी पे, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वही खिलौनों से खेलते हैं, वही शरीर पे लगते हैं, वही मुंह में जाता है केमिकल, तो उनको अजीब अजीब तरीके की बीमारियां हो रही हैं। तो प्लीज अपने यहाँ के खिलौनों की क्वालिटी को सुधारो। अच्छा, चाइना हमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश समझता था, या कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान या म्यांमार समझता था, या फिर मालदीव समझता था। उसने कहा जी ऐसा है, तुम्हारे लिए यही ठीक है। अब भाई साहब एक चेतावनी जारी कर दी बट नहीं समझ रहा। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अब चाइना से कोई भी खिलौनों का इंपोर्ट नहीं होगा। ये ऑर्डर किसने इशू किया है? डायरेक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो इंपोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना। अब लिखना मत, पहले समझना। मुझे एक बात बताओ, ये डायरेक्शन किसने इशू की? सरकार ने इशू की। क्या ये बात कहीं इंग्लिश लॉ में लिखी थी कि चाइना से इंपोर्ट नहीं होगा? नहीं। क्या ये बात किसी भारत के कानून में लिखी गई? नहीं। संसद में कोई कानून पास हुआ? नहीं। क्या किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया? नहीं। ये तो केवल सरकार ने ट्रेड एंड कस्टम मतलब परंपराओं के कारण सरकार ने एक डिसीजन पास किया है कि भैया चाइना से जो माल आ रहा है वो गलत है, ये माल नहीं आना चाहिए, नो इंपोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम द चाइना। तो ये बात किसने कही? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कही। तो क्या मैं आज चाइना से फिर भी टॉयज मंगा सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि अब कानून बन चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया आदेश भी, डायरेक्शन भी कानून का पार्ट बन जाती है। यस, अब लिखेगा और पहले मुझे डन का मैसेज दीजिएगा, समझ आया? तो ये हमारे सोर्सेस ऑफ लॉ। तो गौरव कुमार जी, अगर भारत सरकार कोई डिसीजन पास करती है तो वो भी कानून का पार्ट बन जाता है, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा जी इंडियन लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। अब भारत में कानून कैसे बनता है, हमारे देश में कानून कैसे बनता है? तो लिखिएगा, हाउ द लॉ इज फ्रेम्ड इन इंडिया। भारत में कानून कैसे बनाया जाता है? थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड पॉइंट का मतलब है बेटा जजमेंट ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो भी कानून का पार्ट बन जाते हैं। वंश, ये नोट्स कहां पर शेयर होंगे? सुजल, वैसे तो मैं शेयर कर दूंगा, मतलब LMS पर आ जाएंगे, बट कोशिश करो कि क्लास में आप मेरे साथ लिख रहे हो, प्लीज मेक श्योर मेरे साथ लिख रहे हो। ठीक है, चले। हाउ द लॉ इज फ्रेम्ड इन इंडिया, भारत में लॉ, कोई भी कानून कैसे बनाया जाता है? देखो, भारत में कोई भी कानून बनता है तो वो भारत के संविधान के अनुसार होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का एक संविधान है, आप जानते हैं। तो भारत का अगर एक संविधान, भारत की एक, हाँ जी, बैकअप के रूप में मिल जाएंगे, डोंट वरी, ये नोट्स मिलते जाएंगे आपको LMS पे। हाँ, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी भारत में कानून बनता है। अब LMS पर नो कोर्स एनरोल्ड, अभी दोपहर तक ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ जी, अब अगर भारत के संविधान को मैं देखूं कि
कि बताओ जी कानून कैसे बनता है, तो वो कहता है कि तीन लिस्ट दे रखी है उसने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर तीन तरीके की लिस्ट दी गई हैं। एक है यूनियन लिस्ट, या आपने कहीं ना कहीं सिविक्स में पढ़ा होगा। एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो भारत के संविधान में तीन तरीके की लिस्ट दी गई हैं। एक है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब है इस लिस्ट के अंदर अगर कुछ भी आया तो वहां पे कानून भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉ। तो कानून कौन बनाएगा वहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट का मतलब है कि अगर यहां पर कुछ भी आया, इस लिस्ट में कुछ भी आया, तो वहां पर कानून स्टेट बनाएगी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट टू फ्रेम द लॉ। फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि अगर इस लिस्ट में कुछ भी आया तो वहां पर सेंटर या स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ, दोनों बना सकते हैं। यहां तक लिख लो। लिखने के बाद यहां तक डन का मैसेज दो पहले मुझे। यूनियन लिस्ट फॉर एग्जाम्पल, कंपनियों से रिलेटेड कभी भी कोई लॉ बनेगा तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कंपनी से रिलेटेड कोई भी कानून होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में आया है। इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी कानून होगा तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, क्योंकि वो भी यूनियन लिस्ट के अंदर आया है। तो कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, ये सब यूनियन लिस्ट का पार्ट है। यानी कि अगर कंपनी से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी कानून होगा तो क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अपना अपना कानून बना सकती है इनकम टैक्स से रिलेटेड? नहीं, वो कानून बनाने की पावर किसको है? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। बताओ जी कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट लिस्ट फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी कानून बनेगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी कानून बनेगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। भव्या मुद्गल कहती हैं यू आर नॉट ऑडिबल। भव्या आपके वहां पर प्रॉब्लम है बेटा, बाकी किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आ रही, रिफ्रेश करके देखो। हाँ जी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे अभी हुआ क्या, आपने देखा होगा दिल्ली के आसपास किसानों का धरना चल रहा था। अब जब धरना चल रहा था तो कुछ डिमांड्स को लेकर एक धरना था। अब यहां पर सेंटर गवर्नमेंट बार बार कहे कि सर आप हमसे मांग रहे हो बट हम आपको क्या देंगे, क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर तो सरकार राज्य सरकार का मुद्दा है, तो आपको राज्य सरकार के पास जाना चाहिए। लॉजिकली जाना भी राज्य सरकार के पास चाहिए था बट वो सेंटर से डिमांड कर रहे थे, तो मतलब गलत दरवाजा खटखटा रहे थे। वो गलत दरवाजा खटखटा रहे थे, खटखटाना उन्हें स्टेट गवर्नमेंट का दरवाजा चाहिए था। तो एग्रीकल्चर किसका मैटर है? स्टेट का मैटर है। अगली बात, पुलिस किसका मैटर है? स्टेट का मैटर है। हर राज्य की अपनी पुलिस होती है,
ठीक है। चले एमएसपी को लेकर, मतलब एमएसपी तो केवल एक मुद्दा है ना बेटा, बाकी बहुत सारे मुद्दे भी थे। चले और आगे बढ़ते हैं। और एमएसपी भी दो ही होते हैं, दो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेती है वो, और एक स्टेट गवर्नमेंट जो लेती है। तो एमएसपी में भी दो आते हैं यहां पर। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है? मैंने कहा जी कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है, जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाए, मिलकर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, आप जानते हो हर एक स्टेट में, चाहे आप पंजाब में बैठे हो, चाहे आप हरियाणा में हो, चाहे आप महाराष्ट्र में हो, चाहे आप यूपी में हो, हर एक स्टेट का अपना यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड एंड आपका पंजाब बोर्ड होता है। साथ ही आपके स्टेट में सीबीएसई भी चलता है। सीबीएसई क्या है? सेंट्रल बोर्ड है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। और ये जो यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड है, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड है, ठीक है। तो एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा, एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, मतलब वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। सिमिलरली हेल्थ, आप देखते हो कि आपके स्टेट के अंदर कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, लाइक एम्स टाइप। तो फिर ये भी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। हिमांशी कहती है आईसीएसई इंटरनेशनल बोर्ड है। हाँ जी, वो इंटरनेशनल बोर्ड है, मतलब आप पूरी स्टेट में तो आईसीएसई नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ एक स्कूलों में अप्लाई हो रहा होगा। चलिए, तो अगर मैं आपको कहूं कि बताइए कानून कैसे बनता है, तो आपको सबसे पहले ये कहना पड़ेगा कि सर जी हमें यह बता दो कि जहां पर हमें कानून बनाना है वो यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, या कॉन्करेंट लिस्ट में है, पहले तो यह बता दो। अगर मैं आपको कहूं कि वो यूनियन लिस्ट में है, तो इसका मतलब है कि अब उस पर कानून हमारे देश की संसद बनाएगी। बट अगर वो स्टेट लिस्ट में है, तो इसका मतलब है अब उस पर कानून हमारी राज्य सरकारें बनाएंगी। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि दोनों बना सकते हैं। इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब यूनियन लिस्ट के अंदर अगर कोई चीज आ गई, तो वहां पर कानून कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। यहां तक लिखने के बाद मुझे डन का मैसेज दे दो भाई। भाई यहां तक लिखने के बाद मुझे डन का मैसेज दे दो। चलिए, फ्रेमिंग ऑफ लॉ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून कैसे बनाती है, आइए देखते हैं कैसे बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून। लिखेगा स्टेप्स, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले बनाई जाती है एक एक्सपर्ट कमिटी, फॉर्मेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। जब भी आप कोई कानून बनाने जा रहे हो, तो उस कानून को बनाने से पहले उससे रिलेटेड एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। अब ये एक्सपर्ट कहां से आते हैं? ये एक्सपर्ट होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, तो हम नाम देते हैं एक्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट, ये बनते हैं एक्सपर्ट। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाती है। फिर अब ये कमेटी क्या करती है? कानून लिखती है, ड्राफ्टिंग, मतलब और देशों के कानून को स्टडी करती है। उसको स्टडी करने के बाद फिर अपना देश का कानून जो बनना चाहिए वो लिखती है, इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग करने के बाद, मतलब ड्राफ्टिंग का मतलब होता है लिखना, कानून, कानून ऐसे होगा ना ये, हाँ, अरे यार, लॉ लिखना, दिस इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग, समझ गए। आगे, अब इसके बाद इसे प्रेजेंट किया जाता है,
प्रेजेंटेड टू कैबिनेट। कैबिनेट सुना आपने? कैबिनेट, ग्रुप ऑफ कैबिनेट, भारत सरकार के मंत्रियों का सबसे शक्तिशाली समूह है ये, यानी कि भारत की सबसे शक्तिशाली कमेटी है एक तरीके की है। इसमें कौन कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टर प्लस फाइनेंस मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर, ये लोग आते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल कमेटी है पूरे देश की, कैबिनेट। अब ये ड्राफ्ट जो हमारे एक्स जजेस ने बनाया, ये इस कैबिनेट के पास जाता है और कैबिनेट सबसे पहले इसे ओके करती है कि हमारी तरफ से ये स्वीकार है। लो जी, कैबिनेट ने इसे स्वीकार कर लिया। अपॉन अप्रूवल, अब इस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया जाता है बिल के रूप में। किस रूप में? बिल के रूप में। यानी कि अभी तक जो चीज थी ड्राफ्ट, अब बिल के रूप में इसे प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, जिसे लोअर हाउस कहते हैं, फिर राज्यसभा में, जिसे अपर हाउस कहते हैं, राज्यसभा, लो जी, लोकसभा में और राज्यसभा में इसे पास किया जाता है। ये लो जी, लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया। लोकसभा से और राज्यसभा से पास होने के बाद अब ये एक्ट बन चुका है। क्या बन चुका है? एक्ट बन चुका है, यानी कि बिल बिकम बट अभी भी एक फॉर्मेलिटी रह गई है। अब जाता है ये हमारे देश के सबसे प्रथम व्यक्ति के पास, देश के प्रथम व्यक्ति, देश के सबसे पहले व्यक्ति के पास। और हमारे देश का सबसे पहला व्यक्ति कौन होता है? हमारे देश का राष्ट्रपति, साइंड बाय प्रेसिडेंट। हमारे देश के राष्ट्रपति इस पे साइन करते हैं और जिस ईयर में साइन होता है वो ईयर इसके बाद जुड़ जाता है, ईयर इसके आगे जुड़ जाता है। जैसे एलएलपी एक्ट 2008, इसका मतलब प्रेसिडेंट ने कब साइन किया? 2008 में। कंपनीज एक्ट 2013, कब साइन किए होंगे प्रेसिडेंट ने? 2013 के अंदर। ठीक है, बताओ जी, कोई भी दिक्कत यहां तक? चलो जी, लोगो टिक कैसे आती है? नहीं क्लियर, दोबारा बोलो श्री गग। पब्लिक के पास कैसे आता है? अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि पब्लिक के पास कानून कैसे आता है। देखो जी, पांचवें पॉइंट के बाद एक सिक्स्थ पॉइंट और होता है जिसके अंदर इशू किया जाता है नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ये जब नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट होता है, नोटिफिकेशन का मतलब होता है नोटिस,
ऑफिशियल गैजेट का मतलब होता है सरकार का पत्र, गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर। इसके अंदर आता है कि अब ये कानून देश में इफेक्टिव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में लिखा गया, कंपनीज एक्ट 2013 टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। देख रहे हो, लिखना मत अभी, अभी पहले सुनो। कंपनी एक्ट पे प्रेसिडेंट के साइन कब से हुए? 2013 में। इफेक्टिव डेट क्या है? 1 अप्रैल 2014। कोई कानून इफेक्ट कब, इफेक्ट से कब आता है? जब वो नोटिफिकेशन उसकी आ जाती है, यानी कि एक नोटिस इशू होता है उसका गवर्नमेंट के एक न्यूज़पेपर में। क्या गवर्नमेंट का ये न्यूज़पेपर आप लोगों ने कभी देखा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोगों ने गवर्नमेंट का ये न्यूज़पेपर कभी देखा है या नहीं देखा, क्या कहोगे, हां या ना? गवर्नमेंट का क्या ये न्यूज़पेपर आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? नहीं देखा। चले हम लिखते हैं यहां पर ऑफिशियल गैजेट। लो जी, और मुझे यकीन है आप लोगों ने देखा जरूर होगा। अब आप पिक्चर देख के ये लो, ये ऐसा लेटर कभी देखा है? भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया, कभी ऐसा देखा है कि नहीं? ये ऐसा एक डॉक्यूमेंट इशू होता है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाता है कि कौन सा नया कानून अब एग्जिस्टेंस में आ रहा है, कौन सा नया कानून देश में एग्जिस्टेंस में आ रहा है, वो यहां पर दिया जाता है, भारत का राजपत्र। इसे कहते हैं ऑफिशियल गैजेट, और इसके अंदर जो चीज लिखी होती है उसे कहते हैं नोटिफिकेशन। तो जब भी कोई कानून देश में इफेक्ट में आता है तो ऑफिशियल गैजेट के अंदर उसको एक नोट, उसका एक नोटिस दिया जाता है कि हां जी अब ये कानून एग्जिस्टेंस में आने वाला है। समझ आ गई इतनी बात? क्लियर है? तो हमारे देश में हर कानून को बनाने के बाद नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट आती है, और उस नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट के अंदर बताया जाता है कि यह कानून कब से इफेक्ट में आएगा। लिख लीजिए, डन का मैसेज दे दीजिए। क्लियर चलो जी, स्टडी मटेरियल में नोट्स आएंगे, ये वाले नोट्स, ये तो क्लास में लिखवा रहा हूं ना, उसमें जो लिखे हुए, देखो आपको पेपर में क्या पढ़ के जाना है, ये जो नोट्स हम लिख रहे हैं, स्टडी मटेरियल में प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है बहुत सारे, मतलब क्वेश्चन आंसर्स हैं, केस स्टडीज हैं, वो आपको करनी है। ठीक है, बढ़िया, आगे चले। अब सवाल उठा, अगर आप कोई बुक उठाओ, कोई भी किताब उठा लो, तो एक मिनट, जब साइंड पहले ही हो चुके होते हैं फिर डिले का रीजन क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन में? अच्छा, वो कह रहे हैं कि मान लीजिए अब 2013 कंपनी एक 2013 बन गया, तो फिर उसे 2014 में क्यों इफेक्ट में लाया गया, इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि कानून को बनाने से पहले उसके अंदर सरकार को कई तैयारियां करनी पड़ती हैं। जैसे कि कंपनी एक 2013 एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, ट्राइब्यूनल, यानी कि एक स्पेशल तरीके की कोर्ट। अब ये स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए जजेस चाहिए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, इंप्लॉयज चाहिए थे, तो उसमें टाइम तो लेना था ना सरकार ने, तो इसलिए 1 साल लिया लगभग सरकार ने। समझ आ गई बात? तो कई बार कानून को लाने से पहले उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। आगे, अब मैं बात कर रहा था बुक, बुक की बात करता हूं।
देखो जी, बुक कोई भी आप बुक ओपन करोगे तो वहां पर आता है इंडेक्स, अब अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, इंडेक्स की बात करूं तो यहां पर आता है सीरियल नंबर, टॉपिक, ऐसे यही दिया होता है हर एक बुक के अंदर, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 यहां पे टॉपिक्स दिए होते हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ये तो एक नॉर्मल किताब हो गई, परंतु जब लॉ की किताब बनती है तो वहां ये जो सीरियल नंबर होते हैं ना, इनको कहा जाता है सेक्शंस, और ये जो टॉपिक होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है प्रोविजंस लॉ की किताब के अंदर। तो लॉ में जैसे नॉर्मल किताब के अंदर सेक्शंस होते, सीरियल नंबर होते हैं, वैसे लॉ की किताब के अंदर सेक्शंस होते, प्रोविजंस होते हैं और सेक्शंस होते हैं। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? हर सेक्शन में जो लिखा गया है उसे हम प्रोविजंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोविजंस। प्रोविजन का मतलब होता है सेक्शन में लिखी गई या कानून में लिखी गई बात। डन का मैसेज दे दीजिएगा यहां तक भी। ठीक है, अब किसी भी सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है कानून के अंदर, ये देखिएगा। मान लीजिए एक सेक्शन है 271 C जी, ये लिखा हुआ है, तो अब इस सेक्शन को कैसे पढ़ोगे आप? इस सेक्शन को पढ़ने का तरीका होगा, पहले आप कहेंगे मेन सेक्शन क्या है, 270, ये मेन सेक्शन है। फिर उसके बाद जो पहला ब्रैकेट होता है वो कहलाता है सब सेक्शन, तो सेक्शन 270 सब सेक्शन 1, बोलो मेरे साथ, सेक्शन 270 सब सेक्शन 1। उसके बाद अगला ब्रैकेट एक और आया, इसे कहते हैं क्लॉज। क्या कहते हैं? क्लॉज। तो पूरा बोलो, सेक्शन 270 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, फिर उसके बाद आता है सब क्लॉज। तो अब क्या बना? सेक्शन 270 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी सब क्लॉज 3, फिर आता है पैरा। लो जी, और अब पूरा पढ़ के सुनाओ क्या बनेगा। सेक्शन 270 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी सब क्लॉज नंबर 3 पैरा नंबर जी। सर हमें क्या ये याद करने होंगे? नहीं, तुम्हें याद नहीं करने होंगे, तुम्हें तो बस इतना सा पोर्शन याद करना है, ये इतना सा बस, ये तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। बाकी रेलेवेंट पढ़ते हुए तो नहीं है, बट पता तो होना चाहिए ना, जब कानून पढ़ रहे हो तो पता तो होना चाहिए कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन के बाद क्लॉज, क्लॉज के बाद सब क्लॉज के बाद पैरा। ठीक है, भाई कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी, तो गौरव कुमार जी, सबसे पहले मेन सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज, फिर पैरा, इस तरीके से सेक्शन को पढ़ा जाता है। चले, अब मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं आपका पहला पहला टॉपिक, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम है जी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लो जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
अब दो चीजें यहां पर बड़ी अजीब हैं, वो क्या हैं? एक तो इसके नाम के आगे इंडियन क्यों लिखा हुआ है, और दूसरा 1872 है, तो यानी कि आजादी के पहले का है। बात तो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में था क्या, पहले था ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872, ठीक है। 1930 के अंदर, इन 1930, इसमें से 30-40 पेज फाड़ दिए गए इस किताब में से, और अलग एक छोटी सी किताब बना दी गई जिसे नाम दिया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब सोचो, एक बड़ी सी किताब थी, बड़ी सी किताब को फाड़ा गया, फाड़ के एक उसमें से छोटी सी किताब 1930 में निकाल दी। फिर 1932 के अंदर फिर दोबारा उस किताब में से 50-60 पेज फाड़ दिए गए और फाड़ के किताब बना दी गई पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब एक बात सोच के देखो ना, आपके पास 500 पेज की किताब है, पहले 40 पन्ने बीच में से फाड़ दिए, फिर उसके बाद 50-60 पन्ने और फाड़ दिए, तो किताब का हाल बेहाल हो जाएगा कि नहीं भाई? किताब का हाल बुरा हो जाएगा कि नहीं? उस किताब को दोबारा से बाइंडिंग कराने की जरूरत है कि नहीं? वरना तो किताब का बुरा हाल हो चुका है भाई साहब, तो किताब को दोबारा से प्रॉपर तरीके से बाइंड कराने की जरूरत है या नहीं? क्या कहते हो, हां या ना? किताब को प्रॉपर तरीके से बाइंड कराने की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल जरूरत है, प्रॉपर तरीके से उसे बाइंड करवाने की जरूरत है। यही कानून मेकर को भी फील हुआ, यही हमारे देश के लॉ मेकर्स को भी फील हुआ कि भैया एक किताब थी, दो कानून उसमें से फाड़ के अलग कर दिए गए, अब जो बचा है आइए उसको संजोते हैं। 1947 के अंदर भारत की संसद ने जो बाकी बचा कानून था उसे दोबारा से बाइंडिंग की उसकी, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अप्रूव्ड रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो भारत की संसद ने बाकी बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अप्रूव कर दिया और उसका नाम पड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी कि यहां से दो चीजें पता लग रही हैं, एक तो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि अंग्रेजों के जमाने का है, और इंडियन वर्ड बता रहा है कि बेशक अंग्रेजों के जमाने का है, भारत की संसद ने इसे पास किया है, यानी कि भारत की संसद ने पास करके इसे अपना लिया है कि हां जी यही हमारा है। क्योंकि अब ये दोबारा से इसमें काफी चेंज हुआ ना, तो इसलिए चेंज होने के कारण भारत की संसद ने इसे अपनाया दोबारा से, तो इसलिए नाम बड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहां तक बताइए कोई भी दिक्कत? क्लियर भाई? आगे बढ़ सकते हैं। एक्ट से पहले 1947 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर 1947 लिखते नैन्सी तो इसका मतलब होता कि हमने कुछ नया बनाया है। हमने नया नहीं बनाया था, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम चला अंग्रेजों का ही रहे, तो अंग्रेजों के कानून को हमने स्वीकार किया बस। आगे बढ़ते हैं, तो आज हम पहली डेफिनेशन करने जा रहे हैं, लिखिएगा मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भाई साहब? कितने आराम से आप ये टर्म यूज कर लेते हो ना, अरे मेरा दोस्त से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अरे मेरा मेरे भाई से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कितने आराम से आप ये टर्म यूज करते हो ना, धड़ल्ले से यूज करते हो, मेरा मेरे दोस्त से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरा मेरे रिश्तेदार से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? लो जी आज समझ आएगा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू ब्रैकेट में एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एज अ कॉन्ट्रैक्ट। लो जी, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। लिख लिया? उम्मीद करता हूं एक अक्षर भी समझ नहीं आया होगा, ऐसा लग रहा होगा केमिस्ट्री का फॉर्मूला बनाया कोई, H2+SO4 इज इक्वल टू H2SO4, समझ गया, कुछ आया नहीं। अच्छा जो साइंस वाले हैं वो तो समझ गए होंगे भाई साहब। लॉ की डेफिनेशन की सबसे खास बात यह है कि जब तक वो इकट्ठी है उन्हें समझा नहीं जा सकता, उन्हें समझना है तो पहले तोड़ना पड़ता है। आइए तोड़ते हैं। 10, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें आनी जरूरी हैं, पहला एग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर ये दोनों चीजें जोड़ दूं तब जाके मुझे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ आएगा। पहला मैं समझूं एग्रीमेंट क्या है, फिर मैं समझूं इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या है। तो पहला एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, और दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ दैट इज, इसका मतलब है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशंस। मतलब कुछ नहीं समझ आया होगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं समझ आया होगा, लिखा है बस। अभी तक हमने हमने इस डेफिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एन एग्रीमेंट और दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अक्षर किसी का भी नहीं समझ आया, चिंता मत करो, अभी अभी तो क्योंकि समझाया ही नहीं ना। लिख लिया? अरे भाई बोलो ना। हाँ लिख लिया। चले, अब आप एक काम कीजिएगा, अपना पेन चेंज कर लो, अब पेन जो है अपना चेंज कर लो और दूसरे कलर का कोई पेन यूज कर लो। अब हो सके तो रेड पेन यूज करना। इस रेड पेन से डब्बा बंद मत करना, बट एक डब्बा बना देना, क्लोजर मत देना, डब्बे के नीचे बंद मत करना, बस एक डब्बा टाइप बना दो। इस डब्बे का नाम दो एनालिसिस बॉक्स, नॉट फॉर एग्जाम्स, ये एग्जाम्स के लिए नहीं है, प्लस फॉर इन डेप्थ
अंडरस्टैंडिंग, ये केवल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये एग्जाम के लिए नहीं, ये केवल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए है एनालिसिस बॉक्स। तो इस बॉक्स में लिखी गई किसी चीज को आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, ये केवल आपके समझने के लिए है, कानून समझाने में मदद करेगा ये बॉक्स, ठीक है। तो मैंने अभी तक देखा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो मुझे पता लगा दो चीजें मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनती हैं, एक होता है एग्रीमेंट प्लस एक आता है एनफोर्सेबल। ये दो चीजें मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं, यहां तक मुझे पता लगा, लिख लो, यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो, लिखने के बाद डन दे दो। चलिए अब मैं सबसे पहले समझता हूं कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। एग्रीमेंट मान लीजिए ये है कोई राम, ये है रिया। राम ने रिया को कहा, हे रिया मैं तुम्हें अपनी कार देना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपनी कार देना चाहता हूं। राम ने रिया को एक ऑफर दिया, रिया ने कहा मुझे स्वीकार है प्लस एक्सेप्टेंस। राम ने कहा रिया से कि रिया मैं तुम्हें अपनी कार देना चाहता हूं, रिया ने कहा मुझे स्वीकार है, तो एक ऑफर आया और उस पर एक एक्सेप्टेंस आ गई, तो यह बन गया प्रॉमिस। ले समझने चले थे, एग्रीमेंट पहुंचे हैं प्रॉमिस तक, मगर यह पहली सीढ़ी हो गई पूरी। एग्जाम्पल नंबर वन, बताओ जी यहां तक कोई भी दिक्कत, लिख लो। लिख लो लिख लो लिख लो, और लिखते ही डन का मैसेज भी देते रहो। हाँ जी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। राम ने रिया को कहा, रिया मैं तुम्हें अपनी कार देना चाहता हूं, रिया ने कहा मुझे स्वीकार है, तो राम रिया को एक ऑफर दे रहा है, रिया ने उसे स्वीकार किया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब बने तो यह बना एक प्रॉमिस, बना क्या बना, वादा, प्रॉमिस। अब ये एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचे हैं हम। चले अब एग्जाम्पल नंबर टू, राम ने रिया से कहा, रिया मैं तुम्हें अपनी कार देना चाहता हूं, तो ये हुआ ऑफर प्लस साथ में जुड़ी एक्सेप्टेंस, तो ये बन गया प्रॉमिस। रिया ने कहा राम भाई, राम भाई, समझ गए, भाई कैपिटल लेटर में लिखना, तुम जो कार दे रहे हो वो मुझे स्वीकार है, मगर मैं फ्री में नहीं लूंगी, इस कार के बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी, क्या तुम्हें स्वीकार है। अब हुआ क्या है, रिया ने एक ऑफर दिया, राम ने कहा हां मुझे स्वीकार है, एक्सेप्टेंस हो गई, तो यह भी क्या बन गया, प्रॉमिस, 2 लाख रुपए। यहां तक लिख लो, लिख लिया, लिख लिया। चलिए अब मुझे इस एग्जाम्पल नंबर टू के अंदर बताना कितने प्रॉमिस हैं। मिनिमम 2 प्रॉमिस,
होने चाहिए। प्लस प्रॉमिस नंबर वन, प्रॉमिस नंबर टू, क्या मैं कह सकता हूं राम ने रिया को कार दी, बदले में रिया ने राम को 2 लाख रुपए दिए? ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि राम ने रिया को कार दी, रिया ने रवि को 2 लाख रुपए दिए, ऐसा तो कहीं नहीं है ना। राम ने रिया को कार दी, रिया ने राम को, मतलब दोनों प्रॉमिस क्या मैं कह सकता हूं एक दूसरे के बदले में आ रहे हैं। एक वो दे रहा है तो दूसरा वो दे रहा है, एक दूजे के बदले में हो रहे हैं। यस, इसे कहा जाता है इनकंसिडरेशन टू ईच अदर, इनकंसिडरेशन टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बदले में, एक दूसरे के बदले में। लो जी, मिनिमम 2 प्रॉमिस जो कि इन कंसिडरेशन टू ईच अदर हैं, जो एक दूजे के बदले में हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? एग्रीमेंट कहलाते हैं। वो कहलाते हैं एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट का मतलब क्या? कम से कम कितने प्रॉमिस? 2 प्रॉमिस, जो कि कैसे होने चाहिए? कम से कम 2 प्रॉमिस जो कैसे होने चाहिए, एक दूजे के बदले में होने चाहिए, वो क्या कहलाते हैं? एग्रीमेंट कहलाते हैं। तो एग्रीमेंट का मतलब क्लियर, मिनिमम 2 प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन टू ईच अदर इज इक्वल टू एग्रीमेंट। चले जी, अभी एग्रीमेंट हमने समझा, अभी तो अभी लिखवाऊंगा इसे। अब आता है इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, इनफोर्सिबल। आइए, बॉक्स कंटिन्यू है, अभी भी बॉक्स के अंदर ही आप प्लीज ध्यान रखिएगा, अभी भी बॉक्स के अंदर हैं। इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ इनफोर्सिबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? चले एग्जाम्पल मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूं। ये राम है, ये रिया है। राम ने रिया को कहा कि मैं तुम्हें कार देना चाहता हूं, रिया ने राम को कहा कि बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देना चाहती हूं। अब मैं कहता हूं राम टू रिया, राम टू रिया क्या दे रहा है? कार। यहां बनाइएगा सिचुएशन नंबर वन, फिर बनाइएगा सिचुएशन नंबर टू। पहले देख लीजिएगा, बाद में लिखिएगा, पहले देख लीजिएगा। रिया टू राम 2 लाख रुपए, ठीक है। सिचुएशन नंबर वन में मैं मान के चल रहा हूं कि राम ने रिया को कार देनी थी, दे दी, डिलीवर्ड। रिया ने राम को 2 लाख रुपए देने थे, डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट। सिचुएशन नंबर टू, राम ने रिया को कार देनी थी, नहीं दी, डिफॉल्ट। रिया ने राम को 2 लाख रुपए देने थे, दे दिए, पेड। लो जी, यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो। हो गया, आगे बढ़ सकता हूं। चलिए, नैन्सी इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, मैंने कहा जी राम ने रिया को कार देनी थी,
सिचुएशन नंबर वन, कार दे दी और कार नहीं दी, डिफॉल्ट कर दिया। रिया ने राम को 2 लाख रुपए देने थे, सिचुएशन नंबर वन डिफॉल्ट कर दिया, नहीं दिए या फिर दे दिए। दो अलग अलग सिचुएशन की मैंने कल्पना की है। अब कॉन्सेप्ट तो अभी बना रहा हूं, अभी तो केवल मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है आप सबके सामने, ठीक है जी। अब सिचुएशन नंबर वन पे ध्यान देना, मुझे बताना किसने गलत किया, किसने गलत किया और किसके साथ। रिया ने गलत किया राम के साथ, यही होगा, रिया ने गलत किया राम के साथ। तो अब बताइए राम क्या करेगा, राम को क्या करना चाहिए। अगर रिया ने राम के साथ गलत किया तो राम को क्या करना चाहिए। कानून कहता है कि तुम कोर्ट में आ जाओ राम, और कहो कोर्ट में देख लेंगे अब। यानी कि राम टू, वर्ड क्या है, सीयू, सू नहीं, सीयू, राम टू सीयू रिया। और सेकेंड सिचुएशन में राम ने गलत किया है रिया के साथ, ठीक है, तो यानी कि रिया टू सीयू राम भाई। समझ आ गई बात, दिमाग का शुद्धिकरण जरूरी है, इसलिए राम के साथ राम भाई, ठीक है, कहीं तुम अलग ही रिश्ते ले जाओ। पहला आप कहते हो राम ने रिया के ऊपर केस किया, केस का नाम बनता है राम वर्सेस रिया। रिया ने राम पे केस किया, केस का नाम बनेगा रिया वर्सेस राम। जो पार्टी केस करती है उसका नाम सबसे पहले आता है, उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ। जिस पार्टी के ऊपर केस किया जाता है उसका नाम बाद में आता है, उसको हम कहते हैं डिफेंडेंट। और रिस्पोंडेंट, तो यहां पर प्लेंटिफ कौन है, केस करने वाला रिया। यहां पर डिफेंडेंट कौन है, राम। बताओ जी कोई भी दिक्कत यहां तक। क्या रोज क्लास YT पे होगी, रोज तो नहीं होगी, हफ्ता 4-5 क्लासें होंगी। तो जो केस करता है माही उसका नाम पहले आता है और उसे कहते हैं हम प्लेंटिफ, प्लेंटिफ केस करने वाला। आगे, जिसके ऊपर केस होता है उसका नाम बाद में आता है, उसे कहते हैं डिफेंड करने वाला, डिफेंडेंट, या रिस्पोंड करेगा, आप ये जवाब देगा रिस्पोंडेंट, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद मुझे डन दे देना, कॉन्सेप्ट तो अभी आने वाला है। अब अगली मेरी स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट है, अब सुनना जी बड़े ध्यान से। इन दोनों सिचुएशंस को देखकर क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर राम तूने अपना वादा तोड़ा तो रिया तुझ पे केस करेगी, रिया तूने अपना वादा तोड़ा तो राम तुझ पे केस करेगा। यानी कि दोनों पार्टीज की इच्छा है, दिमाग के अंदर है कि अगर वो सामने वाली पार्टी ने अपना वादा तोड़ा तो हम उसके ऊपर कोर्ट में केस कर देंगे। दोनों पार्टीज की इच्छा है कोर्ट में जाने की, अगर सामने वाली पार्टी ने वादा तोड़ा तो हम उसे कोर्ट में ले जाएंगे, ये इच्छा दोनों पार्टीज की है। और लॉ कहता है जब ये इच्छा हो दोनों पार्टीज में तो इसे कहते हैं इनफोर्सिबल बाय लॉ। इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब है कोर्ट में घसीटने की इच्छा होना।
कि सामने वाली पार्टी इसको कोर्ट में घसीटने की अगर आपके पास इच्छा है तो ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ कहलाता है। अब सवाल ये आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता कि इच्छा है या नहीं है, मतलब इंटेंशन है या नहीं है, वो भी अभी बताता हूं। बट फिलहाल इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्लियर हुआ, इंटेंशन टू स्यू अदर पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट इज इक्वल टू इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लो जी लिख लो, यहां तक लिख लो। अब हम एग्रीमेंट और एनफोर्सेबल बाय लॉ दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। भाई क्या मुझे यहां तक डन का मैसेज मिल पाएगा? बोलो ना डन, बोलो ना हाँ। इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रेक्टिंग। हाँ जी दीपक कुमार जी, चले आइएगा। डब्बा बंद कर दीजिए, बॉक्स बंद हो गया, जितना एनालिसिस करना था कर लिया अभी तक हमने। अब हम इसको लिखने जा रहे हैं जो अभी तक हमने समझा, मीनिंग ऑफ डब्बे के बाहर और डब्बे के बाहर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? तो लिखेगा एग्रीमेंट का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट में ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस विच फॉर्म्स द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस विच फॉर्म्स द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। डेफिनेशन लिखने के बाद डन दो। कंसिडरेशन का मतलब लिखवाया है बेटा, बदले में, एक दूजे के बदले में। आइएगा आप समझना शुरू करते हैं डेफिनेशन क्या है। वर्ड है एवरी प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस। हाँ जी रेड पेन उठा लीजिएगा, दूसरा पेन जिससे एनालिसिस किया ना, जिससे डब्बा बनाया था वो वाला पेन, एनालिसिस वाला पेन उठा लेना। लिखने के लिए नॉर्मल कानून लिखने के लिए सारे नोट्स ब्लैक और ब्लू पेन यूज करोगे, बट जब भी रेड पेन का यूज होगा मैं बता दूंगा यहां रेड पेन यूज करना, रेड पेन यूज करो, रेड पेन। आज नहीं लाए तो अगली क्लास से ध्यान रखना। एवरी प्रॉमिस का मतलब होता है फर्स्ट प्रॉमिस, जो पहला प्रॉमिस हुआ, और इसके साथ में जब अगला प्रॉमिस आता है तो ये बन जाता है सेट ऑफ प्रॉमिस, सेकंड प्रॉमिस। तो पहला प्रॉमिस प्लस दूसरा प्रॉमिस जो कि एक दूजे के बदले में आए एक दूसरे के बदले, वो क्या कहलाते हैं, एग्रीमेंट कहलाते हैं। तो पहला प्रॉमिस प्लस दूसरा प्रॉमिस जो एक दूसरे के बदले में आए वो एग्रीमेंट कहलाते हैं।
क्लियर है कॉन्सेप्ट तो लिखना हां, HAAN, हां क्लियर है। फिर आती है अगली डेफिनेशन, इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ इनफोर्सिबल बाय लॉ, मीनिंग ऑफ इनफोर्सिबल बाय लॉ। इस एग्जांपल को लीगल सेंस में कैसे समझ सकते हैं? लीगल सेंस में कैसे समझ सकते हैं मतलब, तो ये लीगल सेंस ही तो है हिमांशी जो आपने समझा है, और वो जो एग्जाम्पल दिया वो उसकी एग्जाम्पल है, वो सिंपल वर्जन है, ये लीगल सेंस ही। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर इच अदर। बेटा लॉ की सेंस में क्या मतलब, इसके ऊपर फूल पत्तियां थोड़े ना बनानी है हिमांशी, ये लॉ की सेंस ही है, और वो जो उसके ऊपर एग्जाम्पल दिया वो भी लॉ की सेंस ही है, मतलब वो उसका सिंपल वर्जन है कि राम टू रिया, रिया टू राम। चलिए, मतलब लॉ की सेंस अलग से क्या होती है, मतलब यहां पे गुलाब का फूल थोड़ा ना लगाऊंगा, मगर लो जो लॉ की सेंस है, यही तो लॉ की सेंस है। चलिए, मीनिंग ऑफ इनफोर्सिबल बाय लॉ, इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? लिखो जी, वेयर इन एन एग्रीमेंट देयर इज एन इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज टू स्यू ईच अदर, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, दिस इज कॉल्ड एनफोर्सेबल बाय लॉ। लो जी, पहले लिखो, डन का मैसेज दो, फिर इसे पढ़ना शुरू करते हैं। वेयर इन एन एग्रीमेंट, अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर देर इज एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज की इच्छा है, हमें कैसे पता लगेगा सर इच्छा है कि नहीं? वो मैंने कहा मैं बताता हूं। देर इज एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज टू स्यू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर केस करने की, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो दिस इज कॉल्ड एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो इसे हम एनफोर्सेबल बाय लॉ कहते हैं, तो अपन लोग इसे इनफोर्सिबल बाय लॉ कहते हैं। अब आपको सवाल ये आ रहा है कि सर आपने कहा केस करना नहीं, केस करने की इच्छा होना, ये इनफोर्सिबल बाय लॉ है। भाई कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप कोई बाजार से मान लीजिए साड़ी लेके आए या सूट लेके आए या फिर कोई कोट पेंट लेके आए, वो डिफेक्टिव निकला, या फिर फ्रिज लिया वो डिफेक्टिव निकला, तो फिर दिल तो बड़ा करता है कि आप जिससे लिया ना उसके ऊपर कोर्ट पे केस कर दूं, मगर आप करते नहीं हो, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है ना आपके पास, बट आपकी इच्छा तो है ना, मन में विचार तो आया ना कोर्ट में केस करने का। यस, दिस इज कॉल्ड इनफोर्सेबल। कि कोर्ट में केस कर रहे हो या नहीं कर रहे मुझे इससे मतलब नहीं है, बट कोर्ट में केस करने की इच्छा होना, कोर्ट में केस होने की, करने की इच्छा होना कि मैं कोर्ट में केस करना चाहता हूं, इसे इनफोर्सेबल बाय लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है जी, मैं बोल के दोबारा रिपीट कर देता हूं, वेयर इन एन एग्रीमेंट देर इज एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज टू स्यू ईच अदर इन केस ऑफ डिफॉल्ट, दिस इज कॉल्ड एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब मैंने कहा ना रीज, अब हम फंसे यही हुए हैं कि इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है इच्छा, तो इच्छा हमें कैसे पता लगेगी कि किसी की इच्छा है या नहीं है? हाँ, अब ये चीज हमें देखनी है कि इच्छा कैसे पता लगती है। लिखेगा इन एवरी कमर्शियल
एग्रीमेंट कॉमा इंटेंशन, ये कॉमा है, टू सी यू शेल बी प्रिज्यूम्ड इन एवरी सोशल एग्रीमेंट इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इंटेंशन टू सू इज मिसिंग। लो जी, नहीं नहीं रेड पेन यूज नहीं करना, जब करना होगा तो मैं बता दूंगा, ये तो मैंने वैसे यूज कर लिया, तुम्हें रेड पेन जब यूज करना होगा मैं बता दूंगा भाई, जब डब्बा बनाना होगा मैं बता दूंगा। एग्जाम्पल ऑफ सोशल एग्रीमेंट मैंने तो अभी बताया नहीं, रुक जाओ अभी, हैंग ऑन पहले लिख तो लो, जी लिख लिया, इन एवरी कमर्शियल एग्रीमेंट, यानी कि जो भी कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, आप बाजार से कोई सामान लेके आए, धनिया लेके आए, सब्जी लेके आए, फल फ्रूट लेके आए, फर्नीचर लेके आए, कुछ भी लेके आए, कार लेके आए, स्कूटर लेके आए, बाइक लेके आए, ये सब कमर्शियल नेचर के हैं, माना जाएगा कि एक दूसरे के ऊपर केस फाइल करने की इच्छा है, प्रिज्यूम्ड, पहले से ही प्री एज्यूम्ड करके चला जाएगा, प्रिज्यूम्ड मतलब प्री एज्यूम, पहले से ही एज्यूम करके चलेंगे, कोर्ट में केस फाइल करने की इच्छा है आपका और मेरा इस टाइम, मतलब आप मेरे पास आए इस टाइम, तो यहां सोशल एग्रीमेंट लग रहा है आपको या कमर्शियल चल रहा है? मैं आपसे पैसा लेके पढ़ा रहा हूं ना आपको, फ्री फंड में तो नहीं पढ़ा रहा, पैसा लेके पढ़ा रहा हूं, तो इस टाइम क्या है हमारे बीच में, कमर्शियल एग्रीमेंट है या सोशल एग्रीमेंट है, बताओ जी क्या है? कमर्शियल एग्रीमेंट है। तो यानी कि अगर मान लो मैंने आपसे फीस ली, अगले दिन मैं भाग गया, तो आप मेरे ऊपर कोर्ट में केस करोगे या नहीं करोगे? आप मेरे ऊपर कोर्ट में केस करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि पैसे लेके भग गया पोपली, तो इसका मतलब कमर्शियल एग्रीमेंट है। कमर्शियल एग्रीमेंट मतलब कोर्ट में केस फाइल करने की इच्छा है, हम ये मान के चलते हैं। अब करो या ना करो ये तुम्हारे ऊपर है, बट इन एवरी सोशल एग्रीमेंट, ओ माई गॉड। हां जी, सेंटर का भी नाम बोल दो। अच्छा, ओहो, अमृतसर वाले कह रहे हैं जी हमारा भी नाम बोल दो, अभी चिंता मत करो अमृतसर वालों, अभी आपका ही एग्जांपल आने वाला है। इन एवरी सोशल एग्रीमेंट हर सोशल एग्रीमेंट में ये प्रिज्यूम करके चला जाता है कि एक दूसरे के ऊपर केस फाइल करने की इच्छा नहीं है। अब सवाल उठा सर सोशल एग्रीमेंट का एग्जाम्पल, मैंने कहा लो जान मांगी होती, बस एग्जाम्पल मांगा। लो भाई साहब, आज से 15 साल पहले की वो घटना, जब मैं घर आया, वाइफ ने जैसे ही दरवाजा खोला, अजीब सी मुस्कुराहट थी उस दिन वाइफ के चेहरे पर। खैर, मैं समझ गया कि आज कुछ गड़बड़ तो है, मगर मैंने हिम्मत रखी, गया अंदर, तो वाइफ ने कहा सुनो, मैंने कहा हाँ जी, कहने लगी याद करो शादी के पहले के वो दिन, जब तुम मुझे कहा करते थे कि मैं तुम्हारी छोटी से छोटी इच्छा पूरी करूंगा। मैंने कहा हाँ, 5 साल हो गए शादी को, ढूंढ रहा हूं कोई छोटी इच्छा आए तो सही, आई नहीं रही। मैडम ने कहा आज है एक छोटी सी इच्छा। मैंने कहा अच्छा बताओ। उन्होंने कहा मैं चाहती हूं कि तुम आज मेरे लिए एक गाना गाओ। मैंने कहा ये सही है, बंदा सुबह से 3 क्लासें लेके आए, फिर घर में भी आके गाने लग जाए, वाह वाह वाह। मैं कहा ऐसा नहीं होता भाई, बहुत थका हुआ हूं, गले में दर्द हो रहा है।
उन्होंने कहा नहीं 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 गाना तो आज आपको गाना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं 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 गाना तो मैं नहीं गाऊंगा भाई, मेरे को गले में दर्द हो रहा है, तो मैं काम करो पहले मुझे पानी तो दो। उन्होंने कहा आज पानी तभी मिलेगा जब पहले गाना सुनाओगे, क्योंकि आज एक छोटी सी इच्छा ने जन्म लिया है। मैंने कहा यार ये तो अजीब फंस गया पोपली, अब क्या करूं मैं। मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें गाना दूंगा तुम मुझे पानी दो। उन्होंने कहा शर्त मंजूर। ये बन गया प्रॉमिस नंबर वन, मैं तुम्हें गाना दूंगा तुम मुझे पानी दो। ये बन गया प्रॉमिस नंबर टू। मैडम पानी लेके आई, मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद अब मैडम ने कहा चलो एक मोहम्मद रफी की आवाज में हो जाए। अरे मैंने कहा जाओ यहां से, मैं नहीं सुना रहा कोई भी। यानी कि मैडम ने अपना वादा निभा दिया पर मैंने अपना वादा नहीं निभाया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैडम कोर्ट में चली जाए और जज साहब के सामने कहें कि जज साहब मुझे नहीं पता इस आदमी से खड़े होके गाना गवाओ, और मैं कोर्ट में खड़े होके गाने गा रहा हूं तूने मुझे बुलाया शेरावा लिए, मैं आया शेरावा लिए। बताओ कैसा होगा कि मुझे कोर्ट में ले जाया जाएगा और मुझसे कोर्ट में गाना गवाया जाएगा? नहीं, यानी कि यहां पर रिश्ते ऐसे हैं कि एक दूसरे के ऊपर कोर्ट में केस फाइल करने की इच्छा नहीं है। प्यार और मोहब्बत में वादा टूटा है, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में केस फाइल करने की इच्छा नहीं है। तो इसलिए सोशल एग्रीमेंट में एग्रीमेंट तो होता है बट इनफोर्सिबिलिटी नहीं होती, तो जिस वजह से वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यानी कि सोशल एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज वहां पर एग्रीमेंट है, जी है। अच्छा दूसरी चीज वहां पर इनफोर्सेबिलिटी है, नहीं इनफोर्सेबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो क्या है? वो खाली एग्रीमेंट है, हां, और खाली एग्रीमेंट जो होता है वो कहलाता है बेकार एग्रीमेंट, मतलब वॉइड एग्रीमेंट। लो जी, तो वो चीज क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो बेकार एग्रीमेंट कहलाती है। बताओ जी क्या डन का मैसेज मिल जाएगा? ठीक है जी, क्लियर। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। अमृतसर से डिमांड आई है भाई। अच्छा मेरे को ना वो लग रहा है जैसे वो होता है ना जगराता करने वाले, माता का जगराता करने वाले, कि 21 रुपए की अरदास है ये वाला गाना गा दीजिए। तो वही लग रहा है, अमृतसर से एक अरदास आई है 51 रुपए की, वो कह रहे हैं एक एग्जांपल हमारे सेंटर के ऊपर लो। लो जी, मैंने कहा जी अमृतसर में बैठा है लड़का हमारा जिसका नाम है सुखी, ठीक है, सुखी का दिल आ गया है रिया पर। अच्छा पिछले वाला लिखा नहीं, ओहो लिखो लिखो लिखो। रिया तो राम की बहन है, हाँ तो तभी तो सुखी पटाने की कोशिश कर रहा है उसे। चले सारे रिश्ते यहीं बना दो, हैंस प्रूव्ड राम सुखी का साला है, ये भी प्रूव कर दो अब तुम।
चलिए, सुखी ने रिया से कहा, हे रिया, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अपने अमृतसर का सुखी। रिया ने कहा, तू भी मैनू स्वीकार है, मैं भी तैयार हूं। अच्छा, यानी कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। ये भी विवाह करना चाह रहा है, ये भी विवाह करना चाह रही है। एग्रीमेंट है या नहीं, पहले तो मुझे ये बता दो। एग्रीमेंट है कि नहीं? अच्छा, दीक्षित अरोड़ा कहते हैं कि पर सुखी ने तो मर्डर किया था। नहीं, सुखी की मम्मी ने रोक दिया था, याद करो। हाँ जी, एग्रीमेंट है कि नहीं है, पहले बताओ, एग्रीमेंट है कि नहीं है? एग्रीमेंट है, बिल्कुल है। अच्छा, विवाह वाला दिन था, रिया इंतजार में ही थी कि वो आता ही होगा, वो आता ही होगा, मगर सुखी बेवफा निकला। ये नहीं आया, ये गोड़ी लेके कहीं और भाग गया, ये नहीं आया। अब बताइए, रिया क्या करेगी? क्या कोर्ट में केस होगा या नहीं होगा? क्या यहां चोट नहीं लगी होगी? क्या यहां चोट नहीं लगी होगी? लगी होगी। दिल जब टूटता है तो बहुत चोट लगती है, तो इसलिए चोट लगी होगी। तो रिया को क्या करना चाहिए? रिया अब सुखी पे केस करेगी। रिया टू सीयू सुखी। अब आपके दिमाग में आया, सर ये भी तो सोशल एग्रीमेंट है ना, मैं और मेरी वाइफ, ये तो सोशल एग्रीमेंट है, पर ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? समझ आई बात? तो ये कोई सोशल एग्रीमेंट नहीं हुआ अभी, ये रिश्ता बना नहीं है, बनना था मगर बीच में नालायक ने तोड़ दिया। तो यानी कि यहां पर इनफोर्सिबिलिटी है। तो मैरिज के अंदर अगर मैं बात करूं, मैरिज के अंदर क्या एग्रीमेंट होता है? क्या मैरिज के अंदर एग्रीमेंट होता है? हां। प्लस क्या केस फाइल करने की इच्छा होती है? हां। तो इसलिए मैरिज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैरिज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर रिया भाग जाती तो भी सेम होता। तो लौंडों का दिल नहीं होता क्या? यहां पे लौंडों के क्या किडनियां होती हैं? दिल नहीं होता, वो नहीं टूटेगा भाई। पुरुष प्रजाति जरा फटाफट जवाब दें, अगर कन्या ने मना कर दिया तो क्या तुम्हारे यहां दिल नहीं है, फेफड़े हैं, तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा? तो तुम भी केस कर सकते हो। हां। अच्छा, ये और बात है कि तुम केस करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, बट कन्या केस करेगी तो उसे मिल जाएगा। अच्छा, कन्या को क्या मिलता है? पूरे डैमेजेस मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं आगे चल के समझाएंगे। डैमेजेस निकालने का फॉर्मूला होता है, वही पूछा। मतलब थ्योरेटिकली तुम केस कर सकते हो, मगर अब तुम जज के सामने रोए तो जज भी हंसने लग जाएगा। अबे जाना क्या कर रहा है, नालायक रो रहा है यहां के। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वैसे माना जाता है कि लौंडों का दिल नहीं होता, और तुमने अपनी हरकतों से ऐसा किया है नालायकों, मैं क्या करें, मेरी क्या गलती है? ये लौंडा समाज ने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हरकतें की हैं, उस वजह से ऐसा हुआ है। मगर कानून में तो लिखा है कि हाँ दोनों बराबर हैं, दोनों कोर्ट में केस कर सकते हैं। ये और बात है, आप सोचो ना, लड़का जाके कोर्ट में जोर जोर से लड़ रहा है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, वो चली गई, तो कोर्ट में जज क्या कहेगा? अबे जाना क्या कर रहा है। तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, यू नो। ब्रेकअप के बाद केस कर सकते हैं? ब्रेकअप के बाद मतलब ब्रेकअप इन द सेंस
तनिष्क, ये देखा ना, ये ऐसे ऐसे बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं। ब्रेकअप कौन सा है? मतलब शादी से पहले वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ब्रेकअप, नहीं वो नहीं होता। चलिए तो अभी तक जो आपने लिखा है ये सोशल एग्रीमेंट के बारे में, जरा उसे बॉक्स के बाहर लिखते हैं। डायवोर्स वैलिड होते हैं? यस वैलिड होते हैं। देखो, सोशल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि प्यार और मोहब्बत बरकरार है। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ आपस में अलग होने की बात कर रहे होते हैं तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर केस कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर वो सोशल एग्रीमेंट में नहीं है, अब तो दुश्मनी हो गई है। सोशल एग्रीमेंट मतलब प्यार और मोहब्बत बरकरार है, तो तब सोशल एग्रीमेंट माना जाता है कि कोर्ट में केस फाइल करने की इच्छा नहीं है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं सोशल एग्रीमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, माही मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड आपको मिली, कनाडा गई हुई थी, बड़े साल के बाद आज मिली, आप दोनों एक दूसरे से मिली, आपने कहा देख फ्रेंड, देख आज का डिनर मेरे घर। उसने कहा पक्का। आपने मम्मी को कहा मम्मी मटर पनीर, राजमा, छोले, लच्छा परांठा, चावल सब तैयार कर दो, मेरी फ्रेंड आ रही है। बिल्कुल ठीक, फ्रेंड ने आना था, नहीं आई। अब आप क्या करोगे? वो मटर पनीर का कुकर उठा के, राजमा के कुकर उठा के क्या पुलिस थाने में ले जाओगे? जज साहब मुझे नहीं पता, इसे खिलाओ। प्यार और मोहब्बत में है ना, यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है ना, एक दूसरे के सम्मान में है ना, तो ये सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, ये बैच क्या जून 24 के लिए है? नहीं बिल्कुल नहीं, जून 24 के लिए अभी रिवीजन क्लास आने वाली है यूट्यूब के ऊपर 1 अप्रैल से, वो कर लेना ज्वाइन। जतिन जतिन जतिन, आई एम नॉट क्लियर, देखना पड़ेगा आपको, एक वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। हाँ जी, समझ आया? तो ये एग्जाम्पल जो था, ये जो क्वेश्चन था, डाइवोर्स वैलिड है फिर, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है डाइवोर्स वाला, कि जहां हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है और दोनों एक दूसरे को कोर्ट में ले जाना चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब प्यार मोहब्बत खत्म हो गया। चले अब लिखिएगा जो आपने लिखा है, डब्बे के बाहर आ जाओ, डब्बे के बाहर, अरे डब्बे के बाहर आ जाओ भाई, डब्बे के बाहर आ जाओ। मैं कह सकता हूं कि सोशल एग्रीमेंट डज नॉट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशंस। दस दे आर एग्रीमेंट बट नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ अबू, हो जाएगा, और रिवीजन क्लास अटेंड कर लेना जून 24 के लिए, फिर भी हो जाएगा, चिंता मत कर। एनी एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल इज वॉइड एग्रीमेंट। दोनों पॉइंट पढ़ के बताओ जी, पहला, दूसरा, तीसरा, एक और बता रहा हूं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन चीजें हमने कंक्लूड की हैं, बताओ जी इन तीन में से किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है आपको?
जतिन मैं देखता हूं। हाँ जी तीनों पॉइंट पढ़ के मुझे बताओ। पहला पॉइंट मैं दोबारा से बोलता हूं, दीज नोट्स आर सफिशियंट फॉर पेपर, दे आर नॉट सफिशियंट, दे आर मोर देन सफिशियंट। अगर आप इन नोट्स को याद कर गए तो इनसे बाहर तो पेपर में आ ही नहीं सकता। आप इस लेवल के नोट्स लिखोगे, आपके स्टडी मटेरियल वगैरह से भी ज्यादा कंटेंट इसमें होगा। ये जो जितना आप एनालिसिस वगैरह कर रहे हो स्टडी मटेरियल में थोड़े ना होता है, तो बहुत ज्यादा कंटेंट है आपके स्टडी मटेरियल से, डोंट वरी। हाँ जी आप सुनना जी, पहला पॉइंट कहता है सोशल एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन को जन्म नहीं देते हैं, इसलिए वो एग्रीमेंट तो है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कोई भी चीज जो खाली एग्रीमेंट है, जो इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक वॉइड एग्रीमेंट कहलाती है। अभी हमने दोनों चीजें तो समझी, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्सेबल मतलब कैन नॉट बी टेकन टू द कोर्ट। कोई भी चीज, कोई भी एग्रीमेंट जो कोर्ट में ना ले जा पाए वो क्या कहलाता है, वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है आगे, मैरिज में कमर्शियल पर्पस कहाँ आता है? मैरिज में सोशल पर्पस भी नहीं है, कमर्शियल पर्पस इन द सेंस कि भाई जो लड़की वालों ने आपको दिया है, सामान दिया है, वो तो आपसे रिकवर कर ही सकते हैं। और दूसरी एक बात है कि वहां सोशल नेचर भी नहीं है, तो जहां सोशल भी नहीं है, कमर्शियल भी नहीं है, वहां पे दिल टूटने का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और लॉ में इसके लिए प्रावधान है कि अगर आप किसी का दिल तोड़ते हो तो फिर दिल टूटने के कारण ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और आपको सजा मिलेगी, तो इसके लिए प्रावधान है। ठीक है, फिर कहता है सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें जरूरी है, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी। बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, यस, ऐसा पॉसिबल है कि कोई चीज एग्रीमेंट है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कैसे पॉसिबल है? सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट क्या मैं कह सकता हूं, सोशल एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो है परंतु कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब इनफोर्सेबिलिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो जो आपने वादा किया उसे निभाना, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब इनफोर्सेबिलिटी। तो एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इनफोर्सेबल इज वॉइड एग्रीमेंट। तीनों पॉइंट पढ़ के देखिएगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली बात, सोशल एग्रीमेंट डज नॉट गिव राइज टू द लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है, रेड पेन से लिख लेना, इनफोर्सेबिलिटी। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब रेड पेन से लिख लेना ऊपर फर्स्ट पॉइंट में, इनफोर्सेबिलिटी। ठीक है जी, इनफोर्सेबिलिटी। लो जी, एनफोर्सेबिलिटी। चलो जी, ये हमारी आज की क्लास थी, आज था वेडनेसडे। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे फ्राइडे को, लॉ की क्लास होगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। टाइमिंग रहेगा 10 से 12 बजे के बीच में। तो हर 15 दिन के बाद जितना हम करेंगे उसका एक सब्जेक्टिव लेवल का टेस्ट होगा, हर 15 दिन के बाद। एंड आप जो बैच का बोल रहे हैं, तो मैं बैच का नहीं बोल रहा, मैं जून 2024 जिनका अटेम्प्ट है उनके लिए बोल रहा हूँ। रिवीजन क्लास होगी वो यूट्यूब पे होगी, बाकी ये जो बैच है ये नॉर्मल बैच है जिनका अटेम्प्ट सितंबर 2024, दिसंबर 2024 या फरवरी 2024 में, उन सब के लिए है। एंड चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आप दे सकते हो। नीरज सिंह जी, हाँ जी, हर चैप्टर में, अब जैसे अब ये चैप्टर शुरू हुआ ना, अगली क्लास के अंदर मैं इसका बता दूंगा एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं इसके। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फ्राइडे को। थैंक यू।